बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का मौजू या गाल ये है कि भाई फैमिली प्लानिंग का मकसद क्या है, फैमिली प्लानिंग है क्या चीज़। देखो कि जैसे असा कोई मकसद पूरा करें दो ना हूँ तो पहले मकसद पूरा करन करो पहले असा ठीक सारी प्लानिंग करें दो। एक शादी को ही गिनो, शादी को अगर असा प्री प्लान करें दूँ तो होंदे वास्ते पहले असा आदो कि भी पहले रिश्ता गिनण वैसो बकायदा एक रिश्ता थी दे होंदे बाद वाला हार ना थी दी है होंदे बाद वाला शादी की तारीख तय थी दी है होंदे बाद वाला बाकी रस्म चल दें तो यह एक प्लानिंग थी वेंदी है, एक डेट एक फिक्स जाड़ा मुकर्रर किया वेंदे है। सेम एज इट इज़ इवें ही फैमिली के बारे भी प्लैन किया वजे ताकि जिमें एक तरतीब नाल शादी चलती है ना इवें तरतीब नाल तुहाडी लाइफ विच तुहाडे बच्चे आवेन तुहाडी जिंदगी दे जो मखासे देन ओ पूरे थीवेन खुश असलूबी नाल जिंदगी आसान बने। हूँ तो बाद तुसां ए चीज़ देखो कि भाई फैमिली प्लैनिंग का मकसद क्या है कि एक चीज़ को तरतीब नाल गिन के चलन। खानदानी मनसूबा बंदी का मतलब ये कह नहीं कि खुदा ना खास्ता तुसा बच्चे बिल्कुल ख़त्म करवा दो बंद करवा दो। उनका मकसद ये है कि एक सेहतमंद माँ माशरे को एक सेहतमंद बच्चा देवे, एक सेहतमंद शायरी देवे, एक सेहतमंद माशरे का फर्द देवे ताकि वह अगू तो बन के अपनी अपने घराने की अपने मुल्क की तरक्की अहम किरदार अदा कर सके। खानदानी मनसूबाबंदी सिर्फ ही मकसद ही है कि जी शरा अमवात माँ तो बच्चे दी मुल्क के अंदर थी पैन खून की कमी की वजह करूँ बार बार माँ बनन की वजह करूँ बार बार कमजोरियों की वजह करूँ बच्चे जहनी मरीज पैदा थी पैन दिल सुराख के मसले मसायल नाल पैदा थी पैन तो क्यों थी पैन फकत ही वजह तो कि वह माँ अपनी बच्चेदानी को सही नहीं कटवेंदी पई वह बार बार माँ बन वेंदी है लेकिन जी जरूरियात होंदियां गिजाई जरूरत होंदियां बच्चे दे पेट के अंदर वह माँ पूरी नहीं कर सकती क्योंकि वह फौरन बच्चा दोबारा पैदा कर दिंदी है। इनका मकसद ये है कि फैमिली को एक प्लैन करके चलो ताकि तुसा भी खुशहाल रह वो माँ भी सेहतमंद रह वे तो बच्चा भी सेहतमंद पैदा थी वे। महकमा बहबूद आबादी जिला राजनपुर।